गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने 2024 सावन शिवरात्रि की पूजा लिस्ट बता दी है। आपको वीडियो में पूर्ण रूप से दिखाऊंगी कि कौन कौन सी सामग्री आपको प्रयोग में लेनी है। कुछ सामग्री पहले से ही घर आप लाकर रख दीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। यह भी वीडियो में जानेंगे कि समय क्या रहेगा, कौन से चैनल पर आएगी, कौन कौन सी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। कुछ सामग्री आपको अपनी तरफ से भी रखनी चाहिए। पिछले साल आपने देखा होगा हम सभी ने पूजा की थी तो कुछ सामग्री कम हो गई थी, तो ध्यान से देखिए समझिए ताकि आपके जो है पूर्ण रूप से जो आप उस समय परेशान ना हो। आरंभ करते हैं। सबसे पहले इस साल 2024 में 2 अगस्त के दिन नोट करते हुए चलिएगा, सावन शिवरात्रि है। इस दिन की महिमा जितनी कही जाए ना उतना कम है, तो आप सामग्री देखिए नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले आप सभी को एक जल का लोटा रखना है घर से ही, कोई तांबे में कांसे में जो भी है जैसा भी है आप जल का लोटा साफ स्वच्छ भर लीजिए। इसके साथ साथ आप सभी को थोड़ा एक्स्ट्रा भी जल भरना चाहिए ताकि बार बार पूजा में उठने की आवश्यकता ना पड़े। टोका टोकी बोलना ज़्यादा पूजा में अच्छा नहीं होता है, थोड़ा अपने पास एक्स्ट्रा जल रखिएगा, किसी छोटी सी बाल्टी में भर लीजिए या अन्य लोटे में भर लीजिए। आचमन आप देख पा रहे होंगे, आचमन भी आप रख लीजिएगा ताकि मुख शुद्धि कर लें। गुरुजी कई बार करते हैं, उन्हें पंडित जी करवाते हैं तो आप रह जाते हैं, तो नोट करते हुए चलिएगा। इसके साथ आपको आवश्यकता पड़ेगी 108 चावल के दाने की, तो इन्हें अलग से आप गिनकर अक्षत स्वरूप में अर्थात चावल स्वरूप में रख लीजिएगा अलग से। साथ के साथ आप थोड़ा सा अलग से ज़्यादा चावल रखिएगा ताकि जब गुरुजी संकल्प करेंगे तो आप भी आसानी से कर पाएँ, सामग्री कम ना रहे। तो इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। यह जानकारी है तो छोटी छोटी सी परंतु बहुत ही काम की है। इसके साथ साथ आप सभी को पंचामृत, जैसे गुरुजी हर बार बताते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद, या तो इन्हें अलग रखने के लिए, जैसे पंचामृत तो एक में ही समाहित होता है वह रख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी रह सकते हैं। यह अभिषेक की सामग्री है, जल का लोटा इसमें है, पंचामृत है, दूध दही घी शक्कर मैं अलग अलग भी दिखा रही हूँ, एक में मिलाकर भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आप कोई चीज़ भूले नहीं, ठीक है। इस तरह से यह अभिषेकम की सामग्री आप अपने पास पहले से रख लीजिएगा। और जो मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं उसे कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो बाद में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी मैं, परंतु आप सभी दिन के समय ही 2-4 घंटे 6 घंटे पहले दिन में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अपने पास रख लीजिएगा। इसका विधान क्या है इसके लिए आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। अब इसके बाद बारी आती है विशेष तौर पर जो जल का लोटा होता है उसके अंदर डालने के लिए सामग्री की, तो इसके साथ साथ आप सभी को जो सामग्री मैं लिखाने जा रही हूँ बताने जा रही हूँ स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे कौन कौन सी वह सामग्री है। आपको आवश्यकता होगी गेहूं के दाने की, 21 गेहूं के दाने वंश वृद्धि के लिए, धन संपदा में वृद्धि के लिए गुरुजी ने बता रखे हैं, वह भी आप पूजा की थाली में रख लीजिएगा। साथ के साथ गुरुजी ने, आपने देखा होगा, 2 दीपक गुरुजी लगाते हैं और कथाओं में भी बताया है, तो 2 गोलबत्ती के घी के दीपक पूजा की थाली में सुंदर तरीके से रख लीजिएगा। धूप भी आप सभी को रख लेनी चाहिए ताकि माहौल बहुत सुगंधित हो, पूजा में हमारा प्रेम पूर्वक मन लगे। कपूर इत्यादि की थाली अर्थात जो आरती की थाली है वह भी एक जगह रख लेंगे, घंटी इत्यादि, तो आपको बहुत सुलभता रहेगी पूजा करने के लिए। जैसे अभिषेक की हमने थाली अलग बना ली है, ठीक उसी तरह से आपको धूप दीप की भी एक थाली बनाकर अलग रख लेनी चाहिए ताकि उस समय कहाँ है कहाँ गई इस स्वरूप में जो है परेशानी ना हो, कहने का अर्थ है। तो यह हमने सामग्री अलग रख ली है, बहुत साफ स्वच्छ अवस्था में सामग्री को रख लीजिएगा। अब इसके साथ हमें शिव का अभिषेक करने के लिए जो है चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। चंदन आप पीला चंदन, लाल चंदन, अष्टगंध जो आपके पास है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मैंने लिया हुआ है वह रख लीजिए। माता गौरी के लिए रोली रख सकते हैं। अक्षत की जानकारी मैंने आपको दे ही दी। इसके साथ साथ गेहूं के 21 दाने देखिए मैंने अलग से इकट्ठा रख रखे हैं। आप भी अभी तक नहीं हैं घर में, महानगरों में रहे हैं, पिसा पिसाया आटा लाते हैं, तो गेहूं इस दिन के लिए आप जो है छोटी छोटी चीज़ें लाकर अपने पास रख लीजिए ताकि कोई भी चीज़ में कमी ना रहे। यह सावन के महीने की जो है शिवरात्रि है जो कि साल भर की आपको पूजा का फल देगी। काले तिल एक चुटकी रख लीजिए, यह घर के सभी सदस्यों के लिए, ज़्यादा सामग्री जैसे एक जने के लिए तो आपको 21 दाने गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका आप जो है ज़्यादा जोड़ लीजिए, जैसे सभी परिवार के सदस्य बैठ रहे हैं तो उनके अनुसार आप कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।
साथ ही गुरुजी ने कहा है हमें काली मिर्च की आवश्यकता पड़ेगी 21, तो आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। तो 21 काली मिर्च आप सभी अपने साथ रख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, मैंने अपनी इच्छा अनुसार इलायची भी रख रखी है क्योंकि महादेव का दिया हुआ है, उन्हीं को समर्पित है। भस्म भी रख रखी है, लौंग भी रख रखा है, तो आप रखना चाहें तो और रख लीजिएगा जितना गुरुजी ने बताया है। कई बार कथा में गुरुजी भूल भी जाते हैं क्योंकि कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, परंतु अपनी तरफ से कुछ चीज़ें रख लिया जाए तो महादेव को हम धन्यवाद स्वरूप समर्पित कर रहे हैं। महादेव तो कुछ कहते नहीं हमसे, हमें दीजिए, हमें ही वह रखनी होती है, तो आप अपनी तरफ से रख लीजिएगा। साथ ही दो जोड़ी अर्थात दो जनेऊ रखनी है, जो कि भगवान को, एक तो गणेश जी महाराज के नाम की और एक जो है महादेव के लिए, हमें दो जनेऊ खरीदनी होंगी, किसी भी पंसारी की दुकान में यह मिल जाएगी। और साथ ही आपने तीन जो है गणेश जी के लिए एक जो है सुपारी रखनी होगी, माँ गौरी के लिए एक सुपारी रखनी होगी, एक आप जो है महादेव को समर्पित करेंगे तो वह भी आप रख लीजिएगा। तो इस तरह से तीन सुपारी आप रख लीजिए, ठीक है। यह बात हो गई, इत्र अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप रखना चाहते हैं तो। दान करने के लिए सावन का महीना है, हरी चूड़ियाँ ले सकते हैं माता गौरी के लिए। गुरुजी ने हालांकि यह नहीं बता रखा है पर फिर भी आप रख लीजिएगा। देखिए इन दिनों दान करना, एक महापूजा आप करने जा रहे हैं तो अति सुंदर है, श्रेष्ठ है, तो ज़्यादा आप रख लीजिएगा, यह शुभ और श्रेष्ठ बताया जाता है। इसके साथ साथ हल्दी की गांठ, आपको हल्दी की गांठ कितनी रखनी है ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को हल्दी की गांठ, विशेष तौर पर पान का पत्ता भी बताया है गुरुजी ने, हल्दी की गांठ बताई है, आप वह भी रख लीजिएगा। पिसी हुई जो है, विशेष तौर पर गुरुजी ने कहा है हम सभी को मेहंदी रखनी है, तो आप पिसी हुई मेहंदी रख सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। अबीर, गुलाल यह भी रख लीजिएगा, मेहंदी तो मैंने आपको बता ही दी। पान का पत्ता भी आप ठीक उसी दिन, अब वीडियो पहले बना रही हूँ तो पान का पत्ता अभी उपलब्ध नहीं है, तो पान का पत्ता आप बाजार से लेकर उसी दिन रख लीजिएगा, ठीक है जी। यह बात हो गई, और आप सभी को कलावा जो कि हाथ में बांधने के लिए चाहिए वह भी रख लेना चाहिए। भगवान जी को वस्त्र रूप में हम समर्पित करेंगे, गुरु जी जैसे जैसे बताएंगे उस स्वरूप में हम भगवान जी को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही मिष्ठान, अभी सूखे मेवे घर पर थे वह मैंने रख लिए, मौसमी फल रख लिए वह आपको रख लेने हैं, बाजार से मीठा सामग्री आप ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर घर से खुद की अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार भी आप सामग्री को लाकर करते हैं तो भाग्य खुल जाते हैं। इसके साथ गुरु जी ने कहा है लाल गुलाब के फूल अगर आप साथ ले आएँ तो अति उत्तम है, सफ़ेद फूल भी ला सकते हैं, लाल गुलाब आवश्यक रूप से कहा है तो साथ लेकर आइए। अगर नहीं मिल पाते हैं गुलाब तो कोई से भी लाल फूल साथ ले आइएगा, और साथ ही सफ़ेद फूल आपको रखने हैं। शमी के पत्ते साथ नोट करते हुए चलिएगा, अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं थे तो मैं नहीं ला पाई हूँ। सात बेलपत्र भी आप पूजा की थाली में रख लीजिएगा, हालांकि मैंने स्क्रीन पर सभी चीज़ें लिखकर भी दी हुई हैं, वह भी आप नोट करते हुए चलिएगा। शमी के पत्ते ना मिल पाए तो चावल के दाने भी आप ले सकते हैं, बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई भी सात आप सभी रख लीजिएगा, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर यह सभी सामग्री है, आप अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। गंगा जल रख सकते हैं, जैसे दूध दही घी शक्कर शहद के साथ शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के लिए ले सकते हैं, तो बस यह सामग्री पर्याप्त है। इसके साथ ही कोई भी परिवर्तन होता है पूजा की सामग्री में तो जल्द ही आपसे शेयर करूंगी, अभी के लिए इतने ही। कुछ दक्षिणा जो कि 151 रुपये अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार मैंने अभी 21 रुपये रख रखे हैं, आप भी ऐसे ही रख लीजिएगा। तो इस तरह से यह संपूर्ण पूजा की सामग्री है जो आपको इस सावन महीने में शिव पूजा में रख लेनी है। छोटी छोटी सामग्री अभी से लाकर घर पर स्थापित करें, उस दिन भागा भागी जल्दी का समय होता है, थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। और यह कथा आस्था टीवी में और गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आएगी शाम को 7 बजे तक, ठीक है। 2 अगस्त को शाम को 7 बजे यह कथा प्रसारित होगी, तो 6-7-6 बजे से ही आप बैठ जाइए, सभी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए, आसन का चुनाव कर लीजिए, दिन में बाल वगैरह धो लीजिए, कुल मिलाकर कहने का अर्थ है, या एक दिन पहले बाल धो लीजिए, साफ स्वच्छ अवस्था में हो जाइए। महिला पुरुष जोड़े से करते हैं तो अति शुभ है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वरूप में, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो इस तरह से आपको यह पूजा पाठ आराधना अपने जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए करना है। कनेर का फूल चढ़ा सकते हैं, जो है आप धतूरा चढ़ा सकते हैं, आंकड़े के पत्ते रख सकते हैं पूजा की थाली में। कुल मिलाकर आपकी सेवा है, आप दुर्वा रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं विशेष जानकारी के साथ, हर हर महादेव।